नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हम आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अयोध्या कांड में आए प्रसंग वन यात्रा के पदों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम पूरे पद का वाचन करेंगे, उसके पश्चात उसकी एक एक पंक्ति का अर्थ किया जाएगा। तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशोदास, पुंडरीक झुंड भोर मंडलीन मंड ही। तमाल बल्लरी समेत सूखी सूखी कई रहे, ते बाग फूली फूली कई समूल सूल खंड ही। चितई चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत, हंस हंसनी समेत सारी का सबई पढ़े। जही जही विराम लेत राम जू तही तही, अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़े। केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से यह पद्यांश उद्धृत है। इसमें कवि ने वन यात्रा के समय, वनवास के समय श्री रामचंद्र जी की महिमा का चित्रण किया है। श्री राम की महिमा, उनकी कीर्ति, उनकी पताका, उनका यश, उसका वर्णन करते हुए कवि ये कहना चाहता है, ये प्रदर्शित करना चाहता है कि वह जो महिमा है उनकी, उसका जो असर है, जो प्रभाव है, वो केवल चेतन पर ही नहीं अपितु जड़ पदार्थों पर भी पड़ता है। श्री राम के वन यात्रा के समय उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अब हम व्याख्या करेंगे, एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या की जाएगी। तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशोदास। केशवदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास पर जाते हैं तो वो जहाँ भी विश्राम लेते हैं वहाँ की पूरी स्थिति ही बदल जाती है। जहाँ पर तड़ाग अर्थात तालाब, नीरहीन अर्थात जो जल से रहित हैं, अर्थात जो सूखे हुए तालाब हैं, वो भी सनीर जल से भर जाते हैं। पुंडरीक झुंड भोर मंडलीन मंड ही। पुंडरीक अर्थात कमल, और जब तालाब में पानी भर जाता है, तालाब पानी से युक्त हो जाता है, तो उसमें कमलों के झुंड भी खिल उठते हैं। और यह हम सब जानते हैं कि जहाँ कमल होंगे वहाँ भंवरे भी होंगे। तो केशवदास जी कहते हैं कि जब तालाब में कमल खिल जाते हैं तो भोर मंडलीन मंड ही, तो उन कमलों के ऊपर भंवरे, भौर अर्थात भंवरे, उनके ऊपर गुंजन करने लगते हैं, मंडराने लगते हैं, उनके ऊपर घूमने लगते हैं। आगे कवि कहते हैं तमाल बल्लरी समेत सूखी सूखी कई रहे। तमाल वृक्ष, बल्लरी अर्थात जो लताएं हैं, वो सभी जो सूख गए थे, ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंड ही। वे समस्त बाग जहाँ तमाल वृक्ष हैं, लताएं हैं, बेले हैं, जो अब सूख गए थे, वे अब श्री रामचंद्र जी के वहाँ पर जाने से, उनके वहाँ आगमन होने से हरे भरे हो जाते हैं, खिल उठते हैं वो बाग। और समूल सूल खंडही, और जो वहाँ कांटे थे जो उस बाग की सुंदरता को खत्म कर रहे थे, वो कांटे तो समूल अर्थात जड़ से ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात कांटे वहाँ नहीं रहते, फूल पत्ते बेलें और वृक्ष वहाँ खिल उठते हैं।
चितई चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत। और अब जब चारों ओर इतना खुशनुमा माहौल है तो वहां पर चकोरनी और चकोर, मोरनी और मोर, हंस और हंसनी सभी बहुत प्रेम से रहते हुए दिखाई देते हैं। सारिका अर्थात जो मैना है वो भी वहाँ पर कलरव करती हुई दिखाई देती है, कूकने लगती है, जही जही विराम लेत राम जू तही तही अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो भड़े। जहाँ जहाँ पर वन में श्री रामचंद्र जी विश्राम करते हैं वहाँ अनेक प्रकार से सुख भोग सौभाग्य आदि में वृद्धि हो जाती है। वहाँ सब तरह की संपदा सुख आराम आनंद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस पद में श्री रामचंद्र जी की महिमा का चित्रण किया गया है। विशेष अगर हम देखें तो इसमें भाव पक्ष में तो हम लिख देंगे कि जो श्री रामचंद्र जी की वन यात्रा है उसके दौरान उनके प्रभाव को, उनके सुखकारी प्रभाव को इसमें दर्शाया गया है, जो चेतन के साथ साथ जड़ पर भी दिखाई देता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक शोभा का चित्रण किया गया है। तमाल वलरी, पुंडरीक झुंड, तड़ाग नीर आदि जो है प्राकृतिक उपादानों का इसमें प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग है और दंडक छंद में यह पद लिखा गया है। भाषा इसकी ब्रिज है। चितई चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत, हंस हंसनी समेत, सारिका सबई पढ़ें, सुंदर पंक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। इसके बाद हम दूसरे पद की व्याख्या करते हैं। पहले इस दूसरे पूरे पद का वाचन करेंगे, फिर एक एक पंक्ति का अर्थ किया जाएगा। एक एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एक एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी। होई जो कमल तो रायनी में न संकुचेरी, बासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख। बासर हूँ रजनी बिराजे जगबंदरी, देखे मुख भावे अनदेखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो ने चंदरी। यह पद्यांश आचार्य केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इसमें जब श्री राम सीता और लक्ष्मण जी वनवास को जाते हैं तो रास्ते में कुछ ग्रामीण स्त्रियां उन्हें देखती हैं। सीता के अनुपम सौंदर्य को देख करके उनसे रहा नहीं जाता और वो आपस में वार्तालाप करती हैं। कोई उन्हें कमल कहती है तो कोई उन्हें चंद्रमा कहती है, और एक सखी जो है वो ये कहती है कि कमल और चंद्रमा तो इनके सामने कुछ। संदर्भ और प्रसंग के बाद अब हम व्याख्या पर आते हैं। कवि केशवदास कहते हैं कि एक एक कहे अमल कमल मुख सीता जी को, एक स्त्री जो है वो कहती है कि सीता का मुख तो अमल अर्थात स्वच्छ सुंदर कमल के समान है। एक एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, और एक कहती है कि सीता का मुख तो चंद्रमा के समान है, आनंद को कंदरी, और जो आनंद प्रदान करने वाला है।
होई जो कमल तो रैनी में ने संकुचेरी। लेकिन एक सखी कहती है कि मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि अगर सीता का मुख कमल के समान है तो रैनी यानी रात में संकुचे यानी संकुचित, वो रात में संकुचित क्यों नहीं होता, अर्थात वो मुरझाता क्यों नहीं है। वो तो रात में भी उसी तरह खिला रहता है जैसे दिन में खिलता है, जबकि कमल दिन में तो खिलता है किंतु रात में वह मुरझा जाता है। चंद जो तो बांसर न होती दुती मंदरी, और अगर वह चंद्रमा है तो फिर केवल अगर चंद्रमा के समान है तो उसकी जो चमक है कांति है वो दिन में मंद क्यों नहीं पड़ती है, दिन में वो कम क्यों नहीं हो जाती है। दिन और रात दोनों में समान रूप से सीता का मुख चमकता रहता है, खिला रहता है, तो समझ नहीं आता है कि वो चंद्रमा के समान है या कमल के समान है। बासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख, बासर हूँ रजनी विराजे जग बंदरी। कहती हैं कि जो कमल है वो दिन में खिलता है और रजनी में चंद्रमा खिलता है। स्त्री कहती है कि जो सीता जी का मुख है वो दिन में तो कमल के समान और रात्रि में चंद्रमा के समान खिला रहता है। बासर और रजनी दिन हो चाहे रात हो विराजे अर्थात वो शोभायमान बना रहता है जगबंदरी, इसीलिए वह इस संसार में वंदनीय है, जगत उसकी वंदना करता है। जब तक सीता जी के मुख को नहीं देखते तब तक तो कमल और चंद्रमा सुंदर प्रतीत होते हैं, किंतु जब सीता जी के मुख को देख लेते हैं तो वही मुख अच्छा लगता है, भाता है, और कमल और चंद्रमा की अनदेखी कर दी जाती है। ताते मुख मुखे सखी कमलों ने चंदरी, उनका मुख तो है सखी उन्हीं के समान है। सीता का मुख सुंदरता में सीता के मुख के ही समान है और किसी दूसरे से उपमा नहीं दी जा सकती, न कमल की और न ही चंद्रमा की। इस प्रकार इस सृष्टि में सीता जी से सुंदर कोई भी नहीं है। विशेष की अगर हम बात करें तो कमल और चंद्रमा की तुलना में सीता जी के मुख को सुंदर बताया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है और दंडक छंद में यह पद लिखा गया है।